अरे सोने के लिए आ जाओ, हो गई रात। लाला जी ना सोते थे जल्दी, देर रात तक देखते टीवी, गेम खेलते फोन पे, गुड नाइट कहने का नाम बिल्कुल नहीं लेते। जब होती सुबह और बजती घंटी, होती सुस्ती और आंखें नहीं खुलती, नींद ना करने की वजह से लाला जी होते और नाड़ी चिड़चिड़े। चाय में चीनी के बदले डाल दे मिर्ची। मैं लाला जी की तरह नहीं बनूंगा, मैं रोज जल्दी सोने जाऊंगा और गलती से भी मिर्ची को चीनी नहीं समझूंगा। गुड नाइट चिन्नू। गुड नाइट चिट्टी। चिट्टी तो जल्दी सोने गया है, वो सुबह भी जल्दी उठेगा। क्या आप रात को जल्दी सोते हो और सुबह जल्दी जागते हो? कमेंट्स में लिखकर हमें बताइए। लाला जी ने लगाया शैम्पू और साबुन। नल खुला छोड़कर लेने गए टेलीफोन। हेलो 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 लाला जी, लाला जी कुछ आवाज आ रही है, कुछ बह रहा है क्या? टिप टिप पानी बहता गया पानी, खाली हो गई टंकी, ना रहा एक बूंद पानी, रह गया सर पे शैम्पू चेहरे पे साबुन, रोए पुछताए लाला जी, पानी गवाना है भूल, पानी गवाना है भूल। इनी मीनी मनी मो, लाला जी के घर पे चूहे दो, धोती के पीछे बनियान के अंदर कच्चे में भी घुस जाते चूहे। लाला जी हुए बड़े परेशान, टोपी पहन के भागे दुकान, वहां से लाए लाला जी बिल्ली, बिल्ली का नाम रख दिया मिल्ली, चूहों का जीना भागे लपेट के अपने सामने। लालाजी के पड़ोसी के पास थी एक गाय, देते वो सबको दूध बनाने मिल्कशेक और चाय, दूध के बदले पड़ोसी को सब देते ढेर सारे नोट और सिक्के। नोट और सिक्के देख के लाला जी भी ले आए गाय दूध बेचने, पर लाला जी को गाय पालना नहीं आता, दूध निकालना भी नहीं आता।
गाय को भी होता ताजू। आखिर क्या करना चाहते हैं लाला जी? पड़ोसी से आकर लाला जी ना बराबरी करते, अपने काम पे अगर वो ध्यान देते, मिलते उनको भी नोट और सिक्के खाली बाल्टी की जगह में। चले हलवाई की दुकान, वहाँ देखे स्वादिष्ट पकवान। कढ़ाई में तल रहे थे समोसे और पकोड़े। आया पानी लाला जी के मुंह में। उनके लिए लाला जी हो गए पर, जैसे ही बने डाले मुंह के अंदर। गर्मा गर्म समोसे पकोड़े ने जलाया जीप को। खाने से पहले काश रुकते मिनट या दो, खाने से पहले काश रुकते मिनट या दो, मिनट या दो। लाला जी ने अपने हाथों में आई हुई चीजों को खो दिया था क्या? क्या खोया था लाला जी ने और कैसे? पेड़ से लाला जी ने तोड़े आम, मिले दर्जन दो दर्जन खट्टे मीठे आम। एक आम रह गया पेड़ पे, उसे खाने आया एक नन्हा बंदर। दर्जनों आम छोड़ के पीछे लाला जी आगे बंदर। इतने में आ पहुंची बंदरों की सेना, लाला जी के आम नटखटों ने छीना। रूठे रोए लाला जी, दर्जनों आम थे, अब ना रहा एक भी। चरे लाला जी, बन गए वो भालू के बावर्ची, बन गए वो भालू के बावर्ची। लाला जी लड्डू लाए,
पांच लड्डू लाए, गोल मटोल लड्डू लाए, गोल मटोल लड्डू लाए, सारे लड्डू अकेले खाए, सारे लड्डू अकेले खाए, एक के ऊपर एक खाए। लाला जी के पेट में हुई गड़बड़, आवाज आई गर 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 गर, बुलाया गया डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर ने की जांच, लाला जी के पेट में थे लड्डू पूरे 105। अरे हाँ, 105। लालाजी के गाल हो जाते टमाटर जैसे लाल, सेब जैसे लाल, स्ट्रॉबेरी जैसे लाल, जब भी वो कहते झूठ झूठ झूठ, जब भी वो कहते झूठ झूठ झूठ। पर लालाजी के पास आती एक परी, खूबसूरत परी, प्यारी सी परी, जब भी वो कहते सच सच सच, जब भी वो कहते सच सच सच। सच के लिए परी बजाती तालियां, डैडी के संग मम्मी भी खुश हो जाती, पसंद थे उनको अंडे, अंडे थे उनके फेवरेट, खाते थे वो गर्मा गर्म ऑमलेट। एक दिन लड़के के पीछे दौड़ दौड़ के ले आए एक दर्जन अंडे, हर दिन देख के अंडों को सोचते कि कब आएगा संडे। देख छोटे नन्हों को कहा चलो, इस संडे विदाउट अंडे ही अच्छे।